सच है जिन मुद्दों के लिए कि हम और आप लड़ रहे हैं, देश के संविधान की प्रतिष्ठा को, देश के संविधान को बचाने की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और बहुत सारी समस्याएं इस देश में देखी गई हैं। मैं लोकसभा में आया, आदरणीय शरद यादव जी बैठे हैं। मैंने अपने जीवन में लोकसभा के अंदर सबसे ज्यादा आम सहमति अगर कभी देखी थी तो जाति जनगणना की जिस समय चर्चा हो रही थी, पूरे के पूरे देश के लोग एक बात, एक लाइन की और एक भाषा बोल रहे थे। इतनी बड़ी लोकसभा के अंदर आम सहमति मैंने अभी तक नहीं देखी। लेकिन आदरणीय शरद जी बैठे गवाह इस बात के, लेकिन जब पिछड़ों की जाति जनगणना के सवाल पर जहां पूरा सदन एक था, जहां पेड़ पौधों की, पशु पक्षियों की, सबकी गिनती हो गई और बैकवर्ड लोगों की गिनती का जब सवाल आया, तो उस समय के विद्वान गृह मंत्री आदरणीय चिदम्बरम साहब ने बायोमेट्रिक का सवाल डाल के पिछड़ों की तादाद देश के सामने आने से रोकने का काम करके दिखा दिया। बड़ा दुर्भाग्य है जो हमारे आपके बगल में बैठे हैं, जो साथ बैठे हैं, जो लड़ाई भाषणों में लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब उनको कलाम चलाने का सवाल आता है तो देश के दलितों के खिलाफ, देश के पिछड़ों के खिलाफ, देश के अकलियत के लोगों के खिलाफ सबसे पहले कलम उनकी ही चलती है। इस सच्चाई को हमें आपको समझना पड़ेगा साथियों। बात है 85% लोग, जो लोग जिनकी बात करते रहे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने विचारधारा को शुरुआत किया, आदरणीय नेताजी, लालू जी, शरद जी जैसे लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, लेकिन इस विचारधारा के माध्यम से तमाम संघर्ष हुआ। मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने को लेकर संघर्ष हुआ, बड़ी मुश्किल से मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, लेकिन लागू होने के बाद किस तरह से, कैसे किस तरह से षड्यंत्र हुए, जहां पहले रोक लगाई गई कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन बहुत अफसोस होता है कि माननीय न्यायालयों के आदेश को आधार बनाते हुए आज देश के 15% लोगों के लिए देश की 51% सेवाएं पूरी तरह से सुरक्षित कर दी गई हैं और 85% लोगों को केवल 49% के अंदर 85% लोगों को डाल दिया और 15% लोगों के लिए 51% सुरक्षित कर दी गई। एक नहीं, कई समस्याएं, अगर समस्याओं पे चलेंगे तो तार जुड़ते चले जाएंगे। बहुत सारी देश के अंदर घटनाएं हुई, रोहित बेमला की हुई, हमारे यहाँ नसीब की हुई, बहुत सारी दिलीप सरोज की हुई, बहुत सारी घटनाओं को लोगे तो एक बड़ी श्रृंखला बनेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस मौके पर, इस मंच पर मैं कहना चाहता हूं साथियों, जब संघर्ष होगा तो ये सामंती लोग, ये अंबेडकर विरोधी, ये लोहिया विरोधी, मंडल विरोधी लोग पता नहीं चलेंगे, हम जरूर भरोसा दिलाता चाहते हैं। संचालक महोदय ने कहा कि अकबरपुर में, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जन्मभूमि भी है और अंबेडकर नगर के नाम से वो जनपद है, मैं समझता हूं ऐसा संगम शायद ही कहीं देखने को मिले। लेकिन आज मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं फख्र के साथ, जब मैं आज आपके पास इस मंच पर आया हूं तो उस समय हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी ने तीनों लोगों को एक करने का इंतजाम कर दिया है उत्तर प्रदेश के मैदान में। बिहार में आदरणीय लालू जी, शरद जी पहले से ही चीजों को आगे लेके चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मैदानों में इंतजाम हो गया है। आदि अनिल साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, अब ये सिंहासन इनको 19 में खाली करना ही पड़ेगा, इंतजार केवल चुनाव का है, केवल चुनाव का इंतजार है, इससे ज्यादा अभी टिकने वाले नहीं है। क्योंकि आपको जिग्नेश भाई आए गुजरात से, पता होगा कि मोदी जी ने किस तरह से कौन से कानून विधानसभा में पारित करके अपने को पिछड़ा तो बना लिया। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं मोदी जी आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ आपकी भारत सरकार की कैबिनेट में कितने पिछड़े मंत्री हैं, जरा इस बात का जवाब दे दो, जवाब दे दो मोदी जी इस बात का, कितने दलित मंत्री हैं, जवाब दो इस बात का, जवाब दो मोदी जी इस बात का कि मंडल के ऊपर सबसे खतरा अगर किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ है तो मोदी जी, जो आप पिछड़े होने का बड़ा दंभ भरते हो, आपके कार्यकाल में हुआ है, आज से पहले कभी नहीं हुआ है। दलितों के साथ अगर अन्याय हुआ है तो सबसे ज्यादा आपके समय हुआ है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, विश्वविद्यालय के अंदर प्रतिनिधित्व की बात होती है, इस मुद्दे पर जब मैं लोकसभा में एक सवाल को लेकर खड़ा हुआ तो इस तरह से पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग एक साथ खड़े थे। आदरणीय शरद जी इस समय राज्यसभा में थे, अगर आप कहीं हमारे लोकसभा के सदन में होते तो देखते, उस समय सदन का माहौल देखने लायक था।
पूरे की पूरी की भारतीय जनता पार्टी अकेले अलग खड़ी थी, लेकिन फक्र के साथ कहता हूं नौजवान साथियों, आपकी ताकत थी, अकेले ही था उस दिन सत्र में, और हमारे साथी नहीं भी थे सदन के अंदर, लेकिन अकेले ही इस लेवल पर हम लोगों ने सवालों को उठाया था, जिन सवालों को लेकर आज आप यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं साथी। हम भरोसा दिलाते हैं साथियों, समस्या आई थी नौजवानों के सामने, विशेषकर ग्रामीण नौजवानों के सामने, पिछड़े और दलित नौजवानों के सामने, अल्पसंख्यक नौजवानों के सामने समस्या आई थी सीसेट की। बताओ साथियों कितनी गंभीर समस्या थी, उस समस्या की किसी नियत क्या थी, लोगों की सोच क्या थी कि किस तरह से पिछड़े वर्ग के लोग, जो नौजवान गांव से चल के, गरीबों चल के, किसानों मजदूरों परिवार के नौजवान आज अधिकारी बन रहे हैं, इनके रास्ता रोकने का प्रयास सीसेट के माध्यम से भी हुआ था। लेकिन हमें खुशी है अपर हाउस में आदरणीय सरद जी, माननीय प्रोफ साहब से लेके तमाम नेताओं ने लड़ाई लड़ी थी, अली अनवर साहब से लेके, और लोकसभा में हम लोग कुछ चुनिंदा लोग थे, लेकिन सीसेट की लड़ाई को हम चुनिंदा लोगों ने ही जीत के दिखाया था साथियों, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। जहां तक इस वर्तमान लड़ाई का सवाल, रोस्टर का सवाल है, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी और आसपास के नौजवान साथियों, कहीं अगर ये एक महीने सत्र चल गया होता तो इतना भरोसा रखते कि शायद इसी सत्र में सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ जाता। लेकिन षड्यंत्र था, किस किस तरह से षड्यंत्र हो रहे थे, एआईएडीएमके को उकसाया जा रहा था क्या आप सदन को ऑर्डर में ना आने दो, और लोकसभा के अंदर जो लगातार प्रयास हो रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव पेश हो, उस अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने का प्रयास, रोकने का प्रयास लगातार सत्ता पक्ष के लोगों ने किया। लेकिन साथियों हमें और आपको सावधान रहना पड़ेगा, जहां एक और ये लोकसभा एक एक महीने खुद नहीं चलने देते हैं, वही उसके बाद व्रत रखते हैं कि लोकसभा नहीं चलने दी, इससे बड़े आहत है प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी के लोग और कैबिनेट के लोग व्रत रख रहे हैं, कैसे कैसे ढोंगी लोग इस देश के अंदर, कैसा कैसा ढोंग, और वह दुर्भाग्य होता है, अफसोस होता है कि मीडिया के लोग इनके इरादों को बेनकाब नहीं करते। ये मीडिया के लोगों कहीं ना कहीं जो चौथे खंभे के रूप में लोकतंत्र को बचाने की आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, आप लोग भी कहीं ना कहीं अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मीडिया के साथियों भाग रहे हो। अगर इतिहास कुछ और लोगों को माफ नहीं करेगा फैसलों को लेकर, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय जजों ने कहा इतिहास माफ नहीं करेगा, तो मीडिया के साथियों आप भी याद रखना, अगर आप लोग गलती करोगे तो इतिहास फिर आपको भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, संसद को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है साथियों, आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार की षड्यंत्र के कारण सदन नहीं चला और आरोप विपक्ष के ऊपर मर दिया गया। हम आपको नौजवान साथियों भरोसा दिलाना चाहते हैं, डीयू के अपने साथियों को, जेएनयू के साथियों को, और तमाम जो विश्वविद्यालय के हमारे साथी आए, इन तमाम साथियों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, रूपरेखा तैयार करिएगा संसद के सत्र के समय, और इतना आंदोलन सदन के अंदर होगा कि सरकार को मजबूरी में फैसले वापस लेने पड़ेंगे, और नहीं लिए फैसले वापस तो 19 तक कब तक खैर मनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 19 अप्रैल तक तो चुनाव होने ही होने, हो सकता है जल्दी भी हो जाए, लेकिन अब सपा बसपा गठबंधन के बाद शायद जल्दी ना हो, यह भी हो सकता है। बहुत चर्चा थी वन नेशन वन इलेक्शन, हम समाजवादी कहते करा दो वन नेशन वन इलेक्शन, और साथ में उत्तर प्रदेश का भी करा दो तो बाबा जी से भी मुक्ति मिल जाए प्रदेश को, बहुत चर्चा हुई थी। लेकिन अब जब से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय मायावती जी, माननीय अखिलेश जी का जो गठबंधन हुआ, जिस गठबंधन को आदरणीय नेता जी का आशीर्वाद है, माननीय लालू जी ने जेल जाने से पहले तमाम प्रयास किए, आदरणीय सरद जी लगातार प्रयास किए, और मैं समझता हूं हमारे नेताओं के प्रयास का नतीजा है क्या, जो दोनों दल जो कभी अलग दिखा करते थे, आज वो दोनों दल, ये भाजपा के लोग जितना भी षड्यंत्र कर लें, इसका गठबंधन टूटने वाला अब नहीं है। अब इस गठबंधन के बाद शायद वो भूल जाएंगे वन नेशन वन इलेक्शन का नारा, और शायद वो याद रखे उसको, कंप्लायंस कर दें तो शायद इस देश का और देश का जल्दी भला हो जाएगा। लेकिन इस मौके पर साथियों कहना चाहता हूं, जो संघर्ष आप लोगों ने शुरू किया है, अपने तमाम नौजवान साथियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देना चाहता हूं, और टूटा के अपने प्रोसेस को बधाई देना चाहता हूं। मैंने बहुत कम ऐसे आंदोलन देखे, मैंने भी छात्र राजनीति की है, बहुत कम ऐसे आंदोलन देखे हैं जिन्हें छात्रों के आंदोलन को उनके प्रोफेसर का इतना आशीर्वाद हो, बहुत रेयर ऐसे आंदोलन है। इसलिए मैं टूटा के अपने सभी प्रोफेसर को, उनके पदाधिकारियों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ,
कि उन्होंने अपने नौजवान साथियों को, अपने छात्रों को आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं संसद की सत्र चलने से ज्यादा ये रोस्टर को चलने नहीं देंगे, ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। इस तरह से अन्याय है, अत्याचार है। बाला साहब के जो सपने, जयप्रकाश जी के, लोहिया जी के जो सपने, जिसको मंडल आयोग के माध्यम से और आगे बढ़ाया, आदरणीय नेताजी लालू जी, शरद जी ने जिस आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया, पीढ़ियों की बात की थी हमारे संचालक महोदय ने, तो नौजवान पीढ़ी भी कम क्रांतिकारी नहीं है, अपने अधिकारों का हनन नहीं होने देगी ये पीढ़ी, हम भरोसा दिलाना चाहते हैं। तो इसी मौके पर जहां आदरणीय शरद जी बैठे हो, भाई जिग्नेश जी इतनी दूर से चल के आए हमारे बीच, पहली बार उनको सुनने का मौका मिलेगा। हालांकि अपनी पार्टी को लड़ने गुजरात में जरूर गया था, लेकिन आपको सुनने का मौका अभी नहीं मिला, आज आपको भी सुनने का मौका मिलेगा। मैं अपने लक्ष्मण से लेकर तमाम साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं उस तमाम साथियों को कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ और उनको ये भरोसा दिलाता हूँ, उनका ये जो अभियान है, उनका ये जो शुरुआत है, ये शुरुआत अपने मुकाम तक, अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।